सिस्टर आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ नोटिस यूनाइटेड एफसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में हम देखने वाला हूँ कि नोटिस यूनाइटेड एफसी कौन सी ऐसे प्लेयर जो कि आगे जाके 2021-22 में भी खेलने वाला है, जो कि इस टाइम पे अगर देखा जाए ये एक ऑफिशियल अपडेट की तरह है, क्योंकि जिस वेबसाइट से मैंने ये अपडेट निकाला वो बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, वो है भाई ट्रांसफर मार्केट। ट्रांसफर मार्केट की अपडेट के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे जाके कौन सी प्लेयर नोटिस यूनाइटेड एफसी में खेलने वाला है। हालांकि अगर बात करें बहुत सारे प्लेयर जो कि नोटिस यूनाइटेड एफसी में खेल सकता है, लेकिन मैं उन सारे प्लेयरों के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ जो कि लगभग मतलब अगर देखा जाए 99% कन्फर्म है ये प्लेयर खेलने वाला है। मैं 100% भी बोल सकता था लेकिन नहीं बोला, क्योंकि भाई कोई प्लेयर किसी भी कारण नहीं खेल सकता, इसी कारण से मैंने नहीं बोला 100%। लेकिन आपको मैंने बता दिया 99.99% गारंटी है ये सारे प्लेयर जो कि आगे जाके खेलने वाले। चलिए देखते हैं कौन सी प्लेयर जो कि नोटिस यूनाइटेड एफसी में आगे जाके भी खेलने वाले। कुल 13 प्लेयर इधर है और जो कि भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाले आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो बहुत मज़ा आएगा। अगर आप नोटिस यूनाइटेड एफसी का फैन हो, अगर आप अगले सीजन में कौन कौन खेलने वाला है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, जो कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले प्लेयर जो आ जाते हैं वो है संजीवन गौस। जी हाँ, एक बहुत अच्छा प्लेयर है। इस प्लेयर के बारे में अगर बात करें आगे जाके ये प्लेयर भी नोटिस यूनाइटेड एफसी में रहने वाला है, क्योंकि 2021-22 तक इस प्लेयर की कॉन्ट्रैक्ट है और आगे जाके ये प्लेयर खेलने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी अपडेट है और बहुत ही अच्छी बात है। और एज के बारे में अगर बात करें 29 ईयर्स एज है, जो कि एक पोजिशन के बारे में देखा जाए तो गोलकीपर है, काफ़ी अच्छा खासा खेल लेते हैं और काफ़ी अच्छा खासा खेल दिखा सकता है। तो ये प्लेयर आगे भी 2022 तक हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट जो प्लेयर आ जाते हैं वो है नवीन राभा। जी हाँ, नवीन राभा एक लोकल प्लेयर है और इस प्लेयर के बारे में अगर बात करें, ये भी प्लेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर है, काफ़ी अच्छा खासा खेल दिखा सकता है, जो कि सेंटर बैक में खेल लेते हैं। और वही अगर बात करें नोटिस यूनाइटेड एफसी में आगे जाके 2023 तक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि अगर देखा जाए जो कि अगला सीजन है 2021-22 में हमें देखने को मिलेगा और आगे भी देखने को मिल सकता है। एज के बारे में अगर बात करें 24 ईयर एज, जो कि बहुत ही यंग प्लेयर है, काफी अच्छा खासा खेल लेते हैं और नोटिस यूनाइटेड एफसी का एक बहुत बड़ा शान है। नेक्स्ट जो प्लेयर आ जाते हैं वो है निम डोजी टलांग। जी हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है और इस प्लेयर के बारे में आपको मैंने बता दूँ, जो कि सेंटर बैक में खेल लेते हैं, काफ़ी अच्छा खेल दिखाने वाला है। एज के बारे में अगर बात करें 25 ईयर्स एज है और इस प्लेयर की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे जाके 22 तक है, मतलब अगर देखा जाए भाई 21 और 22 की सारे मैच ये प्लेयर खेलने वाले, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर बन जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें गुरजिंदर कुमार, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है, इस प्लेयर के बारे में आपको डिटेल्स में मैं बोलना चाहूँगा, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेफ्ट बैक है और वही अगर बात करें 30 ईयर्स की एज है, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस वाला प्लेयर है। और अगर देखा जाए जो कि आगे जाके भाई इस प्लेयर को भी नोटिस यूनाइटेड एफसी में हमें कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलेगा 2021-22 तक। ये प्लेयर भाई काफ़ी अच्छे से खेलने वाला है और जो कि कॉन्ट्रैक्ट है वो 22 तक है, मतलब भाई नोटिस यूनाइटेड एफसी का नेक्स्ट सीजन वो बहुत ही आसानी से खेल लेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें नेक्स्ट जो प्लेयर आ जाते हैं वो है पोनी फेस, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है। इस प्लेयर की कॉन्ट्रैक्ट जो है नोटिस यूनाइटेड एफसी के साथ वो है 23 तक, मतलब अगर देखा जाए अगला सीजन 21-22 में तो हमें देखने को मिलेगा, उसके आगे भी हमें देखने को मिल सकता है। वही अगर बात करें इस प्लेयर के बारे में, जो कि एक राइट बैक है, इंडियन प्लेयर है और 28 ईयर्स एज है, मतलब भाई ये भी काफ़ी अच्छा खासा खेल दिखा सकता है, काफ़ी अच्छा खासा प्लेयर है। नेक्स्ट अगर बात करें जो कि सुंदर गगाई। जी हाँ, ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर है। इस प्लेयर के बारे में आपको मैं बता दूँ, जो कि 22 ईयर्स की एज है, वही अगर बात करें जो कि मिडफील्डर है और अगर देखा जाए इस प्लेयर की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 23 तक, मतलब अगर देखा जाए 2021 में तो खेलेगा ही, 22 में भी खेलेगा और आगे जाकर 23 में भी हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा प्लेयर है और काफ़ी अच्छा खासा खेल दिखा सकता है। तो ऐसे में बात करें नोटिस यूनाइटेड एफसी का एक करंट प्लेयर है और आगे भी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो प्लेयर आ जाते हैं वो है इमरान खान। जी हाँ, एक बहुत अच्छा प्लेयर है। इस प्लेयर के बारे में आपको बता दूँ, जो कि डिफेंसिव मिडफील्ड में खेल लेते हैं, पोजीशन के बारे में अगर बात करें तो डिफेंसिव मिडफील्डर है, बहुत अच्छा खेल दिखाते हैं। उसी के साथ अगर बात करें एज के बारे में, जो कि बहुत ही यंग प्लेयर है, 26 ईयर्स की एज है। बाकी अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भाई 22 कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब अगर देखा जाए अगला सीजन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं, जो कि 21-22 की मैच सारे मैच बहुत ही आसानी से खेल पाएगा और बहुत ही अच्छी प्लेयर है। तो देखते हैं आगे जाके इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो प्लेयर आ जाते हैं वो है मासूर
शरीफ। जी हाँ, एक बहुत अच्छा प्लेयर है। और इस प्लेयर के बारे में अगर बात करें, एज जो है 28 ईयर्स एज है, और भाई जो कि सेंटर मिडफील्डर है, और जो कि 22 तक इस प्लेयर की कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब अगर देखा जाए आगे जाके 21 और 22 की जो भी मैसेज से बहुत ही आसानी से खेल दिखा पाएगा। नेक्स्ट जो प्लेयर आ जाते हैं आपुया। जी हाँ, आपुया के ऊपर मुंबई सिटी एफसी ने इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का कारंट प्लेयर है और 22 ईयर्स तक कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब अगर देखा जाए इस प्लेयर को भी आगे जाके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की एफसी में देखने को चांसेस है। हालांकि अगर बात करें, एक रूमर्स आया था कि मुंबई सिटी एफसी में ये प्लेयर जा सकता है, मुंबई सिटी एफसी इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन आगे जाके हमें कोई भी ऐसा अपडेट नहीं मिला फिलहाल। जो कि करंट अपडेट है वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का करंट प्लेयर है, और आगे जाके 22 तक इस प्लेयर को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में ही देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। एज के बारे में अगर बात करें भाई, बहुत ही यंग प्लेयर है, 20 ईयर्स की एज है, जो कि भाई सेंटर मिडफील्ड में खेल लेते हैं, काफी अच्छी प्लेयर है। नेक्स्ट प्लेयर अगर बात करें, बिट्टो पीएम। जी हाँ, बिट्टो पीएम एक बहुत अच्छा प्लेयर है, और इस प्लेयर के बारे में अगर बात करें, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ काफी अच्छा संबंध है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी काफी अच्छा, मतलब भाई ये प्लेयर को छोड़ने वाला नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर है। और इस प्लेयर के बारे में आपको मैं बता दूँ, जो कि 28 ईयर्स के एज है, यंग प्लेयर है। मतलब उसके अलावा अगर बात करें, जो कि 22 तक ये प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट है, और आगे जाके 21 22 की मैसेज में हमें देखने को मिलेगा। और जो कि पोजिशन है वो है राइट मिडफील्डर, एक बहुत अच्छा खेल दिखा सकता है। नेक्स्ट जो प्लेयर आ जाते हैं वो है रोशस जिला। जी हाँ, एक बहुत अच्छा प्लेयर, और इस प्लेयर के बारे में अगर बात करें, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। एज के बारे में अगर बात करें भाई, यंग प्लेयर बोला जा सकता है क्योंकि 22 ईयर्स के एज है। वही अगर बात करें इस प्लेयर की कॉन्ट्रैक्ट जो है भाई, आगे जाके 23 तक है। मतलब अगर देखा जाए 21 की मैच 22 की मैच, तो मतलब अगले सीजन में तो रहने वाला है, और आगे भी देखने को मिल सकता है। जो कि एक बहुत अच्छा भूमिका निभाते है, अटैकिंग मिडफील्डर, काफी अच्छा खेल लेते हैं। बाकी अगर बात करें, ये काफी महंगा भी है, और मतलब महंगा प्लेयर है। नेक्स्ट अगर बात करें, नितोई मिठाई। जी हाँ, एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ये प्लेयर भी आगे जाके 2022 तक कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब अगर देखा जाए इस प्लेयर को भी आगे जाके हमें देखने को मिलेगा। एज के बारे में अगर बात करें, बहुत ही यंग प्लेयर है, 19 ईयर्स एज है। वही अगर बात करें, जो कि राइट विंगर है, काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं, और आगे जाके हमें 21 22 की मतलब अगला सीजन में भी हमें देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर प्लेयर आ जाते हैं वो है सुहेल पीपी। जी हाँ, इस प्लेयर के बारे में आपको कैसे मतलब कैसे भूलूँ भाई, ये बहुत अच्छा प्लेयर है। और इस प्लेयर के बारे में आपको बता दूँ, जो कि सेंटर फॉरवर्ड में खेल लेते हैं, और भाई एज के बारे में अगर बात करें, 28 ईयर्स एज है। काफ़ी मतलब भाई अच्छे प्लेयर है, काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि 21 22 तक तो भाई बहुत ही आसान से खेल पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है भाई 31 मई 22 तक, तो भाई काफ़ी मज़ेदार टीम बन जाता है। इधर अगर देखा जाए, और भी कुछ प्लेयर है जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, आगे जाके किसी और वीडियो में बता सकता हूँ। फिलहाल अगर बात करें, ये 13 प्लेयर जो कि आगे जाके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में खेलने की चांसेस 99.99% है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, जो कि आगे भी ये प्लेयर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की ही है। हो सकता है एक दो प्लेयर लोन या फिर ट्रांसफर हो जाए, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए, इन सारे प्लेयर में कोई भी ऐसा चांसेस हमें देखने को नहीं मिला। आगे कोई भी अगर अपडेट आ जाती है, इनमें से कोई भी प्लेयर अगर टीम से बाहर हो जाते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से नहीं खेलते हैं, तो मैं आपको तो इन्फॉर्म करने वाला हूँ। तो फिलहाल जो अपडेट मुझे मिला ट्रांसफर मार्केट के जरिए, तो आपको मैंने बता दिया। तो ट्रांसफर मार्केट एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, जहाँ से कोई भी फेक न्यूज़ या फिर कोई भी ऐसा वैसा अपडेट नहीं मिलते। तो इधर से हमें काफ़ी अच्छी अपडेट मिल जाते हैं। तो फ्रेंड, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी भी अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे वीडियो के आप देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में मुझे बता के जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट फ्रेश